नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नikanjpareek और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। इस चैनल में हम रेगुलरली इंटीरियर, होम इम्प्रूवमेंट और कोई भी जो नॉर्मल जो पब्लिक है उनके लिए जो कोई भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, क्वेश्चंस होती है, कोई भी लाइफ इंप्रूवमेंट या होम इम्प्रूवमेंट के ऊपर वीडियोज रेगुलरली लाते रहते हैं। इन सब्जेक्ट में अगर आपको इंटरेस्ट हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर सोचिएगा। इस वीडियो में हम आज बात करेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। ये जो तीसरा वीडियो है, दो वीडियो हम पहले बना चुके हैं। तीसरा वीडियो जो है ये, इसमें हम कॉन्सेप्ट ले रहे हैं कि बरसात का पानी इकट्ठा करके हम जनरल पब्लिक के वेलफेयर के लिए या खुद के वेलफेयर के लिए ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं तो कैसे करना चाहिए और वो किस किस चीजों में कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का भी करीब करीब सिस्टम सेम है जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे हम बरसात का पानी इकट्ठा करके स्टोर कर सकते हैं और जो बाद में यूज कर सकते हैं। और ग्राउंड वाटर का जो रिचार्ज करने का सिस्टम है वो नॉर्मली जो प्रकृति है वो करती रहती है। जब बरसात का पानी आता है तो जो बैरन लैंड होती है, खुली जो जमीन होती है, उसमें जो बरसात का पानी गिरता है वो परकुलेट होकर जमीन में चला जाता है। कुछ गर्मी जब बाद में जो धूप लगती है उससे उड़ जाता है और कुछ बह जाता है, बह के नदियों में और नालों में चला जाता है। तो चूंकि हम लोगों ने बहुत बेतरतीब तरीके से जमीन के नीचे जो पानी होता है उसका दोहन किया हुआ है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल इतना कम हो गया है और हम लोगों में से कोई भी थोड़ी बहुत भी कोशिश करता है तो उसमें काफी सहयोग मिल सकता है। उसमें आपको पर्सनल मतलब ये तुरंत जो फटाफट फायदा चाहिए इंसान को, उसका भी एडवांटेज है, उसके बारे में आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने से पहले पानी को कैसे ट्रीट करना चाहिए। ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने से पहले एक चीज का ध्यान रखिएगा कि पानी के साथ सिल्ट आती है, चिपचिपी जो मिट्टी होती है, अगर वो मिट्टी पानी के साथ नीचे चली जाती है जमीन में तो वो जो पानी को जो एब्जॉर्ब करने की जो ताकत है, जो जमीन के अंदर जाने की जो क्षमता है पानी की, उसको वो रोक देती है। जैसे आपने कुछ साल पहले देखा होगा जैसलमेर की तरफ और बाड़मेर की तरफ बरसात आने से बाढ़ आ गई थी और वो पानी बहुत दिनों तक जमीन के अंदर नहीं गया था क्योंकि वो जो जमीन का जो लेयर है वहां का, बाड़मेर और जैसलमेर की तरफ का, उधर वो चिपचिपाट होने की वजह से पानी जमीन में परकुलेट नहीं हुआ और वो पानी पड़ा रहा और बाद में सरकार को पंप करके उस पानी को इधर उधर भेजना पड़ा था। तो अगर ये सिल्ट अगर अंदर चली जाती है तो जमीन के अंदर जो पानी सोखने की क्षमता है उसको वो ब्लॉक कर देती है, रोक देती है। तो ये विशेष ध्यान रखिएगा कि जो पानी के साथ सिल्ट आपके जमीन के अंदर नहीं जाए। तो सिल्ट को जाने से रोकने का तरीका क्या है कि जो आप रेन का पानी है, बरसात का जो पानी है, वो जहां से भी आप कलेक्ट कर रहे हैं वहां पर मल्टीपल फिल्टर्स आपको लगाने चाहिए। सबसे ऊपर जहां से पानी इकट्ठा हो रहा है वहां पर नॉर्मल आप जाली वगैरह लगा करके जो मोटी जो कचरा है जैसे पत्ते वगैरह ये सारी चीजें आप वहां रोक सकते हैं। फिर उसके बाद एक कलेक्शन चैम्बर बना सकते हैं जो थोड़ा बड़ा हो और वो पानी भरते 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 जब पानी ऊपर आएगा तो काफी देर थोड़ा बड़ा बनाएंगे अगर आप उसको तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। पानी भरने के बाद जो ऊपर वाला हिस्सा है उससे एक आउटलेट दें और वो पानी फिर दूसरे चैम्बर में जाए। इससे क्या होगा कि जो पहला जो चैम्बर है उसमें जो पानी आएगा वो थोड़ी देर तक वो पानी उसमें रहेगा और उसमें जो मिट्टी या जो भी दरदरी जो चीजें जो सिल्ट वगैरह का जो मटेरियल है वो फर्स्ट चैम्बर में काफी हद तक रुक जाएगा। फिर उसके बाद जब दूसरे चैम्बर में जाता है तो उसमें जो कोर्स जो थोड़ी दरदरी मिट्टी होती है और चारकोल वगैरह या कोई पोटेशियम परमैंगनेट या इस तरीके का कोई भी केमिकल, इसको जो वाटर में से जो सिल्ट फाड़ने का जो फिटकरी है, जैसे फिटकरी की थैली लटका सकते हैं, ये सारी चीज लगा करके ये जो सिल्ट है पानी का उसको आप रोक सकते हैं। तीसरे चैम्बर में जाएगा वहां पे आप ईंटों के टुकड़े, छोटे पत्थर डाल करके, फिर बड़े पत्थर वगैरह डाल करके इसमें काफी सारे बैरियर्स क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो पानी जमीन में अगर जाता है तो उसमें काफी हद तक इम्प्योरिटीज इन सब चीजों में रुक जाती है। इसमें एक बुरी खबर ये है कि ये सारे जो सिस्टम हम फिल्टर्स लगाएंगे इसको आपको बार बार साफ भी करना पड़ेगा। अगर अपन ने साफ नहीं किया तो ये फिर बाद में अगले साल या उससे दो तीन साल के बाद ये काम करना बंद कर सकता है। तो ये सारी चीजों का आप ध्यान रख सकते हैं। इसमें मैंने एक छोटा सा पॉइंट देखा था कि जहां पे इमीडिएटली पानी आता है वहां पे एक मटका भी रख सकते हैं जिसके अंदर ये इम्प्योरिटीज ब्लॉक करने का सिस्टम हो, तो बाद में फ्यूचर में उस मटके को आप हटा करके उसके अंदर की जो ग्रेवल्स वगैरह, ईंट के टुकड़े या सैंड वगैरह डाली हुई है वो आप धो करके वापस भर सकते हैं या नए जो ब्रिक पीसेस है या ये जो पत्थर वगैरह है वो भर सकते हैं। ये की पॉसिबिलिटी है, उसके बारे में अपन और कभी बात करेंगे। तो ये इस मतलब मेन पर्पस ये कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको मुझे सबको ये पता है कि पानी हमको इकट्ठा करना है और उसको जमीन पे देना है। और ये बस इसमें मेन चीज जो अपने मन में ध्यान रखने की है कि ये पानी के साथ जो सिल्ट है
जो चिपचिपी मिट्टी है वो उस पानी के साथ नहीं जानी चाहिए, इंप्योरिटीज नहीं जानी चाहिए, जिसकी वजह से पानी जो ग्राउंड वाटर है उसकी क्वालिटी खराब हो जाए, कोई बहुत ही खतरनाक केमिकल मिक्स हुआ हुआ पानी, इस तरीके का पानी जमीन में नहीं जाना। एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए कि ये जो पाइप है, जिन पाइपों से आप छत का पानी इकट्ठा कर रहे हैं उसको भी क्लीन करने का सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि उसमें जो फर्स्ट पहली जो बरसात होती है वो पानी जमीन में नहीं जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उसको आप डिस्चार्ज करके इधर उधर आप फेंक सकते हैं, फिर जब दूसरी तीसरी बरसात जो आती है उसका पानी आप ग्राउंड में भेज सकते हैं। हमारे राजस्थान में तो बहुत कम बरसात होती है, लेकिन बैंगलोर वगैरह, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में फ्रीक्वेंटली बरसात होती है, तो वहां पे तो ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट हो सकता है और वहां का जो ग्राउंड वाटर लेवल है काफी आसानी से बढ़ाया जा सकता है। चेन्नई में तो मैंने सुना है कि 1000 रुपए 1500 रुपए टैंकर की करीब की रेट हो गई है पानी की, तो वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंटली और बहुत जिम्मेदारी से किया जा सकता है। और अगर काफी लोग कर भी रहे होंगे और जो लोग नहीं कर रहे हैं उसको आप कर सकते हैं, तो ग्राउंड वाटर इंप्रूव कर सकते हैं, या जो मेरा दूसरा वीडियो है रेन वाटर को स्टोर करने का वो भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो रेन वाटर जो है इसको ग्राउंड में भेजने का क्या क्या तरीका है। सबसे पहला तरीका तो ये है कि एक बोर खुदवा करके, जो ये सारा फिल्टर करने के बाद एक बोर खुदवा करके पानी नीचे जमीन में काफी गहरा, थोड़ा 40-50-60 फुट गहरा बोर खुदवा करके उससे पानी आप आर्टिफिशियली इंजेक्ट कर सकते हैं जमीन के अंदर। और अगर आपके घर में बोरिंग है जिससे आप पानी ड्रॉ करते हैं जमीन से, उसमें भी प्रॉपर अच्छे से फिल्टर करके विदाउट सिल्ट, इसमें ध्यान रखिएगा गलती से भी सिल्ट नहीं चला जाए, अगर सिल्ट चला गया तो आपका जो बोरिंग है वो काम करना बंद कर सकता है। अगर यहाँ पे बिल्कुल क्लीन और अच्छे से आप जिम्मेदारी से पानी डाल सकते हैं, तो ये डायरेक्ट जो आपका बोर बना हुआ बोरिंग वाला उससे भी आप पानी ग्राउंड वाटर में रिचार्ज कर सकते हैं। इसको इमीडिएटली आपको जो पर्सनल फायदा हो सकता है वो ये हो सकता है कि आपका जो बोरिंग का पानी की क्वालिटी है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगी और आपको पानी भी ज्यादा मिलने लग जाएगा। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, लेकिन इसमें फिर दोबारा बोल देता हूं, इसमें गलती से भी सिल्ट अंदर नहीं चली जाए, इसका प्रिकॉशन जरूर रखिएगा। तीसरा पॉइंट जहां पे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं वो है कि आपकी लोकेलिटी में कोई डेड बोरवेल हो जो सरकार ने खुदवाया हुआ हो, या कोई पंप हो, वो जो चापाकल बोलते हैं जो हैंड पंप होता है, वो कोई डेड पंप वगैरह पड़ा हो तो उसमें भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं और उससे भी आप ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं। अगर आप रिचार्ज करेंगे तो वो जो डेड बोरवेल है वो भी वापस चालू हो सकता है। गांव में आपने देखा होगा काफी जगह पे जो पंप खुदवाती है सरकार वो काफी थोड़े दिनों बाद चलना बंद हो जाता है, वहां पे भी अगर अपन कनेक्ट कर देते हैं तो गांव में भी उस बोरवेल में पानी आने लग जाएगा और पानी की क्वालिटी भी काफी इंप्रूव हो सकती है। और तीसरा बहुत आसान है, आजकल वैसे देखने को नहीं मिलते, जो कुएं होते थे पुराने जमाने में साउथ में या हमारे राजस्थान में, उधर बंगाल बिहार की तरफ काफी कुएं होते थे, राजस्थान में भी होते थे, तो अगर आपके आसपास में कोई कुआ है बड़ा तो उसमें आप डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं तो वो सबसे अच्छी चीज है, उससे डायरेक्ट पानी ग्राउंड वाटर में चला जाएगा और जो कुआ खराब हो चुका है उसमें भी पानी आने लग जाएगा। तो पानी बचाने के बारे में जरूर सोचिए, बरसात का सीजन आने वाला है, अगर आप इसमें कुछ भी थोड़ा बहुत पानी भी आप अगर ग्राउंड वाटर में रिचार्ज कर सकते हैं तो आपके लिए सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक दीजिएगा, और ये जो कंटेंट है इस वीडियो का अगर आपको अच्छा लगता हो तो इसको आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में भी सोचिएगा, क्योंकि ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, तो मेरे जो सब्सक्राइबर है उन्होंने रिक्वेस्ट किया था इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। इस चैनल में हम होम इंप्रूवमेंट, फर्नीचर, इंटीरियर डेकोरेशन, बिल्डिंग मटेरियल के बारे में वीडियोस रेगुलरली लाते रहते हैं। इन सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में सोचिएगा। सारी चीज ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पानी बचाना बहुत जरूरी है, जल न होगा तो कल जाएगा जल। और एक्सरसाइज करते रहिए, अपने शरीर को तकलीफ दीजिए, सीढ़ियां चढ़िए, पैदल चलिए, साइकिल चलाइए, लिफ्ट का प्रयोग कम से कम कीजिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।